बुंदेलखंड अंचल के संभागीय मुख्यालय सागर में बुधवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनको मिलाकर अब सागर में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 7 हो गई है। बुधवार को मिलने वाले मरीजों में सभी मरीज शहर के कैंट क्षेत्र के सदर इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें 2 सगे भाई शामिल हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन ने इन मरीजों की पुष्टि करते हुए आमजन से अपील की है कि बाहर से आने वाले अपनी बीमारियों के लक्षण छिपाएं नहीं, बल्कि अस्पताल आकर जांच कराएं। आज बुधवार को मिले इन 3 नए कोरोना पेशेंट्स में 2 सगे भाई जो कि इंदौर से सागर आए थे, तो वहीं तीसरा व्यक्ति अहमदाबाद से सागर आया। आज दिनांक 13/5 को बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 3 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसमें 2 लोग जो एक की उम्र 34 वर्ष और दूसरे की 43 वर्ष की उम्र है, ये दोनों सगे भाई हैं और सदर के निवासी हैं। तीसरा है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो भी सदर के निवासी वार्ड 3 के मोहल के निवासी है, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। ये तीसरे व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री है, ये अहमदाबाद के गांधीनगर से 6/5 को आए हैं और अपने यहाँ कल 11 तारीख को उनके टेस्ट हुए थे। उपरोक्त 3 मरीजों को कोविड हॉस्पिटल बीएमसी में भर्ती कर उपचार चालू कर दिया गया है। मैं फिर सभी सागरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से ये जो भी ट्रेवल हिस्ट्री है और जिनको आपको संदिग्ध लगता है, तो बीएमसी की जो कप कोल ओपीडी या टीबी हॉस्पिटल में आके जांच कराएं।